अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके बहुत काम आने वाली 37 टिप्स। टिप नंबर 1, उबले हुए सिंगाड़े ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सिंगाड़े उबालने के बाद उनके पोषण तत्व नष्ट हो जाते हैं, इस वजह से उनके खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। टिप नंबर 2, बेसन के घोल में ज़रा सी उड़द के दाल का पेस्ट डाल देने से पकौड़ियाँ का स्वाद बढ़ जाता है। टिप नंबर 3, आलू की टिक्की के मसाले में एक कच्चे केले को उबालकर उसमें मिलाएं, ऐसा करने से टेस्ट बढ़िया आता है। टिप नंबर 4, रोज़ मौसमी का जूस पीने से रक्त संचार सही ढंग से होता है। मौसमी का जूस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। टिप नंबर 5, भटूरे में खमीर उठाने के लिए उसमें सूखी ब्रेड का चूरा करकर मिलाएं, जल्दी खमीर उठेगी। टिप नंबर 6, तेजपत्ता और थोड़ा सा नमक पानी में डालकर उबाल लें। अब इसे उन जगह पर स्प्रे कर दें जहां चींटियां नज़र आ रही हैं। टिप नंबर 7, बार बार उल्टी होने पर बर्फ़ चूसने से उल्टी होना बंद हो जाती है। हैज़ा की उल्टियों में भी ये प्रयोग लाभदायक है। टिप नंबर 8, अगर चीनी के अंदर बहुत सी चींटियां हो तो वह आसान से बाहर निकलने के लिए उसमें एक टुकड़ा कपूर डाल दें, इससे चींटियां आसानी से बाहर निकल जाएंगी। टिप नंबर 9, दालमोठ बनाने के लिए दाल भिगोते समय एक कप दूध मिला दें, दाल फूली हुई एवं खस्ता बनेगी। टिप नंबर 10, बारिश के दिनों में दालों और चावलों में बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं, इसके लिए आप इसमें तेजपत्ता और खड़ी हल्दी डालकर रखें तो कीड़े नहीं लगेंगे। टिप नंबर 11, यदि दूध की मलाई में एक चम्मच चीनी डालकर फेंटा जाए तो मक्खन ज़्यादा मात्रा में निकलता है। टिप नंबर 12, सब्जियों को काटने के लिए पिलर का इस्तेमाल करें, ना कि चाकू का। इससे सब्जियों को छीलने में लगने वाला समय आधा हो सकता है। टिप नंबर 13, ड्राई फ्रूट्स को एक डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रखें, इससे आपके ड्राई फ्रूट लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। टिप नंबर 14, बेसन के लड्डू बनाते समय यदि उसमें थोड़ा सा मूंग दाल का आटा मिला देंगे तो लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। टिप नंबर 15, बादाम का छिलका अगर आसानी से नहीं उतरता है तो उसे गर्म पानी में एक घंटे के लिए भिगो कर रख दें, छिलका तुरंत निकल जाएगा। टिप नंबर 16, अंडे को उबालते समय अंडे में थोड़ा नमक या सिरका डालें, इससे अंडा अच्छी तरह और जल्दी उबल जाएगा और वो टूटेगा भी नहीं। टिप नंबर 17, भिंडी की सब्जी बनाते समय उसे काटने के बाद थोड़ा नींबू निचोड़ दें तो उसका चिपचिपापन दूर होगा और सब्जी कुरकुरी बनेगी। टिप नंबर 18, एक गिलास अंगूर के जूस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है। टिप नंबर 19, बादाम सौंफ और मिश्री को समान मात्रा में पीस लें रोज़ रात को और दोपहर में खाना खाने के बाद इसका सेवन करें, करने से संग्रहण शक्ति बढ़ती है। टिप नंबर 20, दिन में एक बार दालचीनी और अदरक की चाय पीने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, कफ को ख़त्म करता है और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। टिप नंबर 21,
नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं या फिर सलाद में रस निचोड़कर खाएं। ऐसा करने से ये हमारे शरीर की गंदगी को साफ कर देता है। टिप नंबर 22। बारिश के मौसम में नमक को पानी होने से बचाने के लिए उसमें एक मुट्ठी चावल रख दें। टिप नंबर 23। क्रिस्टल क्लीन बर्फ जमाने के लिए पानी उबालने के बाद उसमें बर्फ जमाएं। टिप नंबर 24। सब्जी में खटाई सब्जी पक जाने के बाद ही मिलाइए। टिप नंबर 25। आम के अचार बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर मिलाएं, इससे अचार ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। टिप नंबर 26। प्याज काटने के बाद अक्सर इसकी गंध हाथों में रह जाती है, इससे छुटकारा पाने के लिए हाथों में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर रगड़कर वॉश कर लें। टिप नंबर 27। सलाद काटते समय हमेशा सब्जियां तिरछी काटें, इससे इनका जूस बरकरार रहता है। टिप नंबर 28। ग्रेवी की रंगत अच्छी रखने के लिए मसालों के साथ ज़रा सा चुकंदर के जूस के कुछ बूंदे डाल दें। टिप नंबर 29। बरसात के दिनों में मसालों को ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें कांच के जार में रखें। टिप नंबर 30। चावल को बरसात में पड़ने वाले कीड़ों से बचाने के लिए उसमें पत्ती सहित नीम के डंठल रख दें। टिप नंबर 31। केले का गुच्छा लटका कर रखने से केला 5 से 6 दिन तक ख़राब नहीं होगा। टिप नंबर 22। सूखी हुई मकई को एक दिन धूप में रखें, इससे पॉपकॉर्न अच्छे बनते हैं। टिप नंबर 33। ठंडा दूध एसिडिटी की समस्या में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोपहर के समय ठंडा दूध पी सकते हैं, इससे गैस ज़्यादा बनने की समस्या कंट्रोल में रहती है। टिप नंबर 34। अगर कई महीनों से सीने का दर्द हो रहा है या ये ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपके फेफड़ों की हालत बिगड़ रही है। टिप नंबर 35। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो हो सकता है आपके फेफड़े ख़राब होने लग रहे हैं। टिप नंबर 36। सेब में पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस से भरपूर ये दिल की स्वस्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। टिप नंबर 37। उबले हुए सिंगाड़े ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सिंगाड़े उबलने के बाद उनका पोषण तत्व नष्ट हो जाता है, इस वजह से उनका खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है, अवश्य अपनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इस उपचार को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हमारी दुआओं में आप शामिल हैं। मिलेंगे इसी तरह की किसी वीडियो में बहुत जल्द, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए।
अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।